और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, किसान संगठनों ने पार्टी बनाई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, पंजाब में चुनाव लड़ेगा किसान मोर्चा। 22 किसान संगठन है जिन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया है किसान संगठनों की तरफ से। कुल 22 किसान संगठन है। बलबीर सिंह राज्यवाल नेता होंगे, ये बड़ा अपडेट सामने आया है। किसान संगठनों ने पार्टी बनाई है और ऐलान कर दिया गया है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में वो भी चुनाव लड़ेंगे। 22 किसान संगठन है जिन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। चमन पलानिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद है ज्यादा जानकारी के साथ। चमन, अब तो चुनावी मैदान में कूदने की पूरी तैयारी किसान संगठनों की तरफ से। हाँ जी, देखिए संयुक्त किसान मोर्चा में जो है एक नई पार्टी संयुक्त नाम मोर्चा के नाम से बनाई गई थी, क्योंकि संयुक्त किसान संगठन पहले ही तय कर चुका था कि हम इस बार पंजाब विधानसभा चुनाव में नहीं उतरेंगे। लेकिन जिस तरह से अब जो पंजाब के जो महान नेता है उन्होंने एक जो 22 जो संगठन है किसानों के, उन्होंने एक नई पार्टी का ऐलान कर दिया है और उन्होंने अभी इस बात से खुलासा किया है कि पंजाब विधानसभा में वो विधानसभा में चुनाव के लिए लड़ने के लिए तैयार है और वो लगभग 117 सीटों पर खुद चुनाव लड़ेंगे और बलबीर सिंह राज्यवाल के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि पंजाब में एक और राजनीतिक पार्टी की जो है वो एंट्री हो चुकी है। हालांकि आम आदमी पार्टी के समर्थन में जाने से अभी उनसे पूछा गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी आम आदमी पार्टी में हमारा कोई गठबंधन नहीं हुआ है और ना अभी कोई विचार नहीं है। तो आम आदमी पार्टी अभी तक उन्होंने किनारा अपना जो है वो छुड़ा लिया है। अब देखना होगा कि किसान संगठन जो है बिल्कुल जो, और अभी तक चमन हमने देखा था कि किसानों की नाराजगी देखने को मिल रही थी, लेकिन अब जब सभी किसान अपने घर वापसी कर चुके हैं तो ऐसे में क्या मानकर चला जाए कि इस चुनाव में अपनी नाराजगी जाहिर करेंगे अपनी मांगों को लेकर। जिले की कुछ किसान संगठन जो है वो अभी इन पार्टी के साथ नहीं है। अभी तक 22 किसान संगठन ही इस मोर्चे के साथ आए हैं और बाकी जो किसान संगठन है वो इनका भी विरोध कर रहे हैं। अब देखना अब ये होगा कि इस चुनाव में जो विधानसभा चुनाव का जो अगला चुनाव होना है इसमें कितनी पार्टियां इस संगठन के साथ आती है। इनका अभी जो नई पार्टी बनी है संयुक्त किसान मोर्चा, इनका दावा है कि हम 22 संगठन पंजाब के जो है हमारे साथ है और जो है वो तो 3 संगठनों की अभी चर्चा इन्होंने बताई है कि उनकी अभी मीटिंग चल रही है और बाकी जो है इनका विरोध कर चुके हैं। तो पंजाब में अब किस तरह का इनका मुकाबला होने वाला है वो देखने वाली बात होगी या किसी पार्टी के साथ इनका गठबंधन होगा इसकी अभी यानी कि चुनाव लड़ने का औपचारिक ऐलान हो चुका है, लेकिन किस पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे अभी ये तय नहीं हो पाया है। लेकिन चमन, क्या जानकारी मिल पाई है कि कितनी सीटों पर ये चुनाव लड़ेंगे? जी देखिए, अभी जो जब किसान संगठनों के जो अभी जो नेता है बलबीर सिंह राज्यवाल, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि हम 117 सीटों पर ही पंजाब में चुनाव लड़ेंगे। अब ये देखना ही होगा कि 117 सीटों पर जो किसान है वो कहां कहां पे चुनाव किसको लड़वाएंगे। हालांकि राज्यवाल का चेहरा जो है उन्होंने साफ कर दिया कि राज्यवाल के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। जी, ऐसे में अगर ये किसान संगठन चुनाव लड़ रहे हैं तो सबसे ज्यादा मुश्किलें किसकी बढ़ सकती है चमन? जी देखिए, जो किसान संगठनों ने जो है हालांकि जो पंजाब सरकार के खिलाफ जो कांग्रेस की अभी सरकार है तो उनके खिलाफ खुद ही संगठन जो दिल्ली मोर्चे के बाद जो है पंजाब में फिर सरकार में बैठे हुए, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि संगठन जो अभी फिलहाल कांग्रेस की तरफ जो इशारा था तो वो कांग्रेस को ही जो है ज्यादा डैमेज करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि कांग्रेस सरकार जो पिछली सरकार जब कांग्रेस की बनी थी उसमें जो वायदे किए गए थे उनको पूरा नहीं किया गया। इसी विरोध में पंजाब सरकार के खिलाफ जो हर डीसी ऑफिस के बाद जो है किसान संगठन जो है वो धरने पर बैठे हुए हैं। वो पंजाब में कुछ जगह जो रेल भी रोकी आंदोलन भी शुरू हुआ है। तो पंजाब सरकार जो अभी कांग्रेस फिलहाल कांग्रेस की सरकार पंजाब में चल रही है तो उसके साथ लगातार किसान जत्थेबंदियों की मीटिंग होती रही है तो उसका जो निचोड़ था वो अभी तक कुछ नहीं निकला। इसीलिए किसान संगठनों ने जो है अब नई पार्टी अपनी जो है बना दी है। अब देखना भी होगा कि पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी के साथ जा सकते हैं किसान संगठन, क्योंकि वक्त वक्त पर हमने भी देखा है कि किस तरीके से एक बड़े नेता के रूप में किसान नेता के रूप में उभरते हुए नजर आए। जी देखिए, अभी किसान संगठनों से पूछा गया था कि वो किस पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ेंगे, वो तो उन्होंने अभी साफ इनकार कर दिया है कि फिलहाल हम खुद ही 117 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और वक्त के बाद ही हम तय करेंगे कि कौन सी पार्टी के साथ उनके गठबंधन करना है। तो अभी तक किसान संगठनों ने इस मामले में कोई भी अपने पत्ते नहीं खोले। जी, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का क्या कुछ रिएक्शन है इस ऐलान के बाद?
जी देखिए, जहाँ तक अकाली दल बीजेपी का शुरू से ही विचार रहा है कि जो कि किसान जो है वो अपनी जो की नीति है वो अपने तरीके से ही बनाएंगे, क्योंकि क्योंकि किसान संगठन जो है शुरू से ही जो है पंजाब में जो है चुनाव विधानसभा चुनावों को लेकर जो है बीजेपी को तो खासकर उन्होंने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि वो विरोध किसान जो लगातार ही बीजेपी का पंजाब में विरोध करते रहे थे। वो अब जो देखना होगा कि वो किस तरह से या फिर अकाली दल के साथ करेंगे या आम आदमी के पास गठबंधन करेंगे, क्योंकि अभी तक किसान के संगठन के जो लोग हैं उन्होंने ये साफ नहीं किया कि वो किसके साथ जो है वो आगे गठबंधन में रहेंगे। बिल्कुल चमन, हमेशा से ही किसान हर चुनाव में एक बड़ा मसला रहा है, बड़ा मुद्दा रहा है। अब जब 22 किसान संगठन चुनावी मैदान में कूद रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में किस तरीके से आप समीकरणों को बदलते हुए देख रहे हैं? जी देखिए कि जिस तरह से पंजाब में पहले बीजेपी ने ऐलान किया कि वो खुद 117 सीटों पे लड़ेगी और उसके बाद पंजाब में कांग्रेस भी एक पार्टी जो पहले से ही जो सरकार चला रही है और उसके बाद अकाली दल और उसके बाद आम आदमी पार्टी, तो पंजाब में चार पार्टियां जो थी वो पहले से ही चुनाव में लड़ रही थी। उसके बाद पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से एक पार्टी बनाई। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी मिल रही है कि सभी 117 सीटों पर 22 किसान संगठन है जो कि चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन किस पार्टी के साथ जाएंगे अभी इसका औपचारिक ऐलान होना बाकी है। शुक्रिया चमन इस तमाम जानकारी के लिए आपका। मनजिंदर सिंह सिरसा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के नेता हैं। सर, इस खबर को, इस जानकारी को आप कैसे देखते हैं? 117 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है 22 किसान संगठनों ने। नहीं, ये तो एक्सपेक्टेड ही था। ये तो जब वो तीनों कानून रद्द होने के बाद नहीं उठ रहे थे और ये तो बड़ा समझ में आ रहा था कि उनकी पॉलिटिकल एम्बिशंस तो है, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए, सबको पॉलिटिकल राइट है अपनी बात रखने का, रखिए। देश के लोग उनको देखेंगे, पंजाब के लोग भी देखेंगे कि इस मूव का क्या पर्पस था। उन्होंने जो बातें कही आज, वो सारी बातें जो उन्होंने आज से पहले सोशल मीडिया पे जो भी कहा है, आज लोग उनसे पूछेंगे और लोग उनका साथ देंगे तो अच्छी बात है। ये तो देखो पब्लिक है और ये तो डेमोक्रेसी में सबको राइट है, वो अपनी बात रखें, अब लोग देखेंगे। लेकिन चुनाव में डैमेज हो सकता है, क्योंकि कोशिश तो आपकी तरफ से कर ली गई कि किसी भी तरीके से किसानों को वहां से उठा दिया जाए, लेकिन अब इससे डैमेज होगा पंजाब में? नहीं, देखिए लोग बहुत समझदार हैं कि किसको डैमेज होगा, किसको नहीं डैमेज होगा तो वक्त बताएगा, लेकिन लोग ये जरूर जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने जो सब कुछ किया है वो किया किसके सोच के साथ किया है, किस तरह से उन्होंने किसानों का मान सम्मान रखते हुए और ये बात को अनाउंस करते हुए कहा कि मैंने अच्छे तरीके से किया था, लेकिन मैं फिर माफी मांगते हुए ये तीनों कानून वापस लेता हूं। तो पंजाब के लोग, देश के लोग इन सारी बातों को जरूर नोटिस में लेंगे। ठीक है, शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप मनजिंदर सिंह सिरसा जो कि बीजेपी के नेता हमारे साथ मौजूद है, उनका साफ तौर पे कहना है कि जनता डिसाइड करेगी कि कौन किसके साथ है।